कैसे आप सब लोग, उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। तो आप सब लोग ठीक है, किसी को फोटोग्राफर बनने का शौक, ग्राफिक डिजाइनर बनने का शौक, किसी को एनिमेटर बनने का शौक, किसी को प्रोग्रामर बनने का शौक, किसी गेम खेलने का शौक होता है, किसी गेम डेवलपमेंट का शौक होता है, तो पेंटिंग्स बनाता है, तो कोई रोबोट्स बनाता है, तो कोई यूट्यूबर बनना चाहता है। मजे की बात हूँ, मुझे सब कुछ कर सुनने में काफ़ी जी करते, एक बंदा इतने सारे काम कैसे कर सकता है? मेरा सवाल है कि क्यों नहीं कर सकता भाई? डब्ल्यू टीम में अपनी लाइफ में कितने ऐसे काम करते हैं जो मतलब इतने ज़्यादा काम, जैसे क्या? आते हैं, पीते हैं, सोते हैं, अलग बैठते हैं। तो आप मेरे से पूछ रहे हो मैं कैसे फजूल बातें कर रहा हूँ, ये कौन सी बात है? तो मेरी रूटीन कैसे है? तो ये रूटीन का हमारा सब क्यों है, उसके पीछे दो रीज़न है। फर्स्ट वन, इनके में ज़रूरत है, हमें खाने पीने सोने चलने फिरने की ज़रूरत है, बाकी में इनकी आदत है। आदत कैसे? हमने प्रैक्टिस से आदत हुई, ठीक है? शुरू में हम चल नहीं पाते थे, हमें चलाना सिखाया गया, हमें प्रैक्टिस कराएगी ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप, गिरती भी रहे साथ, गिरती भी रहे बहुत बार, गिर रहे खाना नहीं आता था, देख देख के कैसे बुखार है भाई, मैं बुखार है इस तरह स्टार्ट किया, तो प्रैक्टिस हमें की आदत है। तो अगर हमने कोई और एक्स्ट्रा काम हमारी रूटीन से हट के हमें अपनी रूटीन में ऐड करना है, तो उसके बीच दो लिया उसको भी ऐड करने की दो जरूरत हो, दो चीज़ें की जरूरत हो, एक ये कि उसकी उसको मतलब जरूरत बनाए, दूसरी ये कि उसकी आदत डाले, आदत कैसे भाई उसका मैं क्यों। मैंने भी ये सारी चीज़ें लाइफ में इसलिए एक्चुअली क्योंकि पहले ही बात की थी जरूरत, दूसरी ये मैं नहीं पाता था प्रैक्टिस। तो भी लोग कहते हैं कि यार बंदे एक काम करे इतने सारे काम क्यों करे, कहते हैं लोग कहते हैं कि जो इतने सारे काम करते उसकी आदत ये होती है कि मास्टर ऑफ ऑल जैक ऑफ नन, क्योंकि मेरा मोटो ये है कि मास्टर ऑफ ऑल जैक ऑफ वन, कि जो काम करने चाहते हो सारे करो लेकिन एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस, मतलब मेन गोल, ठीक है? और हो सकता है वो जो चीज़ें आप कर रहे हो वो काइंड ऑफ स्टेप्स हो उस चीज़ को अचीव करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए। तो मेरे लिए भी इस काइंड ऑफ स्टेप्स ही हैं, ठीक है, उस सीढ़ी के जो मेरे गोल तक पहुँचाएगी। तो बेसिकली जो मेरा गोल है वो है मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मतलब रोबोटिक्स की। तो ये काइंड ऑफ मेरे स्टेप्स हैं। गेम डेवलपमेंट उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फोटोग्राफी भी हर जगह आ जाती है काम, डिज़ाइन ग्राफिक डिज़ाइनिंग मस्ट है, करेक्टर मेकिंग, 3D मॉडलिंग और प्रोग्रामिंग, ये सब उसी के काइंड ऑफ हिस्से ही, ठीक है? आगे फ्यूचर में ये सी चीज़ें भी काम इसलिए करूँ। और अभी मैं आप मुझे कहेंगे कि मैं ऐसी कह रहा हूँ ये चीज़ें करता हूँ, वो मैंने काफ़ी चीज़ें की हैं। कैसे की? एक्सपोजर से, मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में गया, डिफरेंट समर कैंप्स अटेंड किए, डिफरेंट कॉम्पिटिशन में अटेंड किए, और मैंने वहाँ अच्छा परफॉर्म किया। 2017 में आई वॉज फर्स्ट इन ओवरऑल पाकिस्तान इन स्पेस क्रिएटिव राइटिंग। 2018 में हम लोगों ने NERC 2018 जीता, नेशनल इंजीनियरिंग एंड रोबोटिक्स कॉन्टेस्ट, जो कि नस्ट पे हेल्ड होता है हर साल, तो वो हमने विन किया ओवरऑल पाकिस्तान में, हमारी टीम फर्स्ट थी। और इस समय और काफ़ी कॉम्पिटिशन कॉलेज में, फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन, अभी लम्स के लिए मेरा नाम गया था, लम्स यूनिवर्सिटी के लिए लैब्स होती है फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन इस तरह। तो ये मेरे सारे ड्रीम्स और ये चीज़ें मेरे पास। सो मुझे कमेंट्स में जरूर बता दें कि आपके क्या ड्रीम्स हैं और आप उनको कैसे अचीव कर रहे हैं, और ये वीडियो जरूर अपने फ्रेंड्स से शेयर करना, और इसे लाइक भी करना और दो सब्सक्राइब करना चाहिए। सो वॉचिंग।